बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इन पेपर चॉक्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, एक न्यू अपडेट आप सबको देने वाला हूँ एफआईए के हवाले से, जिसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाता है। इसका टेस्ट सिलेबस 2021 का आ चुका है, टेस्ट पैटर्न भी आ चुका है, और सबसे अहम बात जो है कि आपने इस टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, तो इन सब की तफसील जो है इस वीडियो में आप सबको दूंगा। सबसे पहले फ्रेंड हम शुरू करेंगे इसके मार्क्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल मार्क्स इसके होते हैं 100 होते हैं। टेस्ट टाइप जो आपका होता है वो एमसीक्यूज टाइप होता है, सारे के सारे आपके एमसीक्यूज होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। और टेस्ट टाइप जो होता है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो इसकी बात होगी सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होंगी, जनरल नॉलेज होगा, मैथमेटिक्स होंगे, करंट अफेयर होंगे, पाकिस्तान स्टडी होंगे, जनरल साइंस होंगे, इस्लामिक स्टडी होंगे, इंग्लिश होंगे और इंटेलिजेंस होंगे। तो फ्रेंड इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि इंटरव्यू के लिए किस किस को कॉल करेंगे। तो इंटरव्यू के लिए जो है, अगर आपने 85% मार्क्स लिए टेस्ट में, तो आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अभी हम जाते हैं अपने एमएस वर्ड की स्क्रीन पे, और वहाँ पर मैं आप सबको दिखा देता हूँ जनरल नॉलेज के हवाले से इन सब का जो सिलेबस मैंने आपको बताया है कि इनमें से कौन से टॉपिक होंगे जो इससे आप जो है तैयारी करें। तो उस पर जाते हैं और फिर वापस इधर आएँगे, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से अपनी स्टडी करनी है। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हम अपनी एमएस वर्ड की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक होंगे। ये आप सबके सामने देख सकते हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, फर्स्ट, शॉर्टेस्ट, लार्जेस्ट, ये पाकिस्तान में जितने भी हैं इन सबको जो है आपने रीड करना है। इसके अलावा फर्स्ट मैन, ओमेन वगैरह, हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रोड वगैरह पाकिस्तान में जो है इन सबको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट जो आपका होगा कि हिस्टोरिकल लोकेशन जो है पाकिस्तान की आपने तैयार करनी है। इसके अलावा नेशनल एट्रीब्यूट ऑफ पाकिस्तान जो है, बर्ड, एनिमल, ट्री वगैरह, ये सारे आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड पाकिस्तान जो है, इन सबको आपने याद करने हैं कि पाकिस्तान जो है कब इंटर हुआ। इसके अलावा डेम्स, बेराज, रिवर, माउंटेन पीक और पास कैनाल, लेक्स वगैरह के मुताबिक आपने इसको जो है रीड करना है। इसके अलावा फेमस जो नेम है सिटीज के, स्वात, नॉन एजुकेटेड, नेडा, पाकिस्तान, इस तरह के जो है आपने ये तैयार करने हैं। इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज जो है या इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो है ये आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा ओल्ड और न्यू नेम जो है कंट्रीज की, सिटीज की, ये भी आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा नोबल प्राइजेज जो हैं, विनर्स जो हैं, ये भी आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट यानी शरीयत कोर्ट, या फेडरल मिनिस्टर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वगैरह, ये आपने तैयार करनी है। इसके बाद एनवुड ऑफ पाकिस्तानी जो है आपने तैयार करनी है। इसके अलावा मेजर कैपिटल, कंट्री कैपिटल और करेंसी जो है आपने याद करनी है। नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑफ एयरपोर्ट्स, ये भी आपने याद करने हैं। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स ऑफ कंट्रीज, इंटरनेशनल डेज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बुक्स, ये सारी जो है आपने याद करनी है। अभी करंट अफेयर के बारे में जाते हैं कि करंट अफेयर में जो है 2018 से 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, इकनॉमिक इवेंट्स वगैरह हुए हैं, स्पोर्ट्स, ओलंपिक न्यूज जो है, इकनॉमिक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान जो है, इसके अलावा एनी इंसिडेंट, डिजास्टर एंड रिसेंट ईयर में जो हुए हैं पाकिस्तान एमओयूज और डिफरेंट कंट्रीज के जो हैं पीएम विजिट जो हैं, ये सारे आपने याद करने हैं। इसके अलावा अबाउट पीएम और कैबिनेट जो है ये आपने याद करने हैं। सीएम एंड गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस आपने याद करने हैं। नोबल प्राइजेज विनर्स 2019 एंड 2021 आपने याद करने हैं। इसके अलावा एरिया ऑफ कश्मीर जो है, फाटा जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान जो है आपने याद करने हैं। चाइना रिलेटेड न्यूज़ जो है आपने याद करनी है। आर्मी न्यूज़, गवर्नमेंट न्यूज़ और पर्जियन न्यूज़ आपने याद करनी है। थर्ड नंबर पर आपका मैथ होगा, मर्थ में मैथ एंड इंटेलिजेंस का। अलजबरा जो होगा, अलजबरा होगा, इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे, सीरीज होंगे, रेशियो होंगे, प्रोपोर्शन होंगे, टाइम डिस्टेंस होंगे, एक्सपोनेंशियल बेसिस होंगे, बॉडी मास के होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यानी प्राइम, कंपोजिट, होल्ड, ये सारे होंगे, एज प्रॉब्लम जो होंगे, बेसिक कैलकुलेशन जो होंगे, एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो होंगे जिसे आईक्यू बेस्ड कहा जाता है। इसके अलावा लार्जेस्ट फिगर ऑफ मल्टीप्लाई वगैरह, परसेंटेज एंड डिस्काउंट प्रॉब्लम वगैरह। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन, ये सारी जो है ये मिसाल दी हुई है, ये आपने याद करने हैं। एलसीएम, एचसीएफओ यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब आपने याद करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है चार पे इंग्लिश है। इंग्लिश जो होता है सारे लोग जो है कंटिन्यूस में फेल हो जाते हैं। ये सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन वगैरह, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट और पैराग्राफ क्वेश्चन, ये सब आपने याद करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, पाकिस्तान स्टडी में क्या होंगे, आल इंपॉर्टेंट इवेंट जो है 1857 से 1947 तक, ये आपने याद करने हैं। इसके अलावा एंड आल थिंग्स स्टडीज, ये रेगुलर क्लासेज, रेगुलर क्लास में मोबाइल एम्पेरियड आपने याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। मोटरवे ऑफ पाकिस्तान और देयर लेंथ, ये भी आपने याद करने हैं। अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है, अभी तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी है, ये आपने याद करने हैं। लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी मिसाइल था और इसके रेंज जो है ये आपने मालूम करनी है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तानी जो है अपनी मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 6 पे है, इस्लामिक स्टडी यानी तमाम जितनी भी बैटल और अदवात जो हुए हैं इनके डेट्स वगैरह
आपने याद करने हैं, फंडामेंटल ऑफ इस्लाम जो है आपने याद करने हैं, बायोग्राफी जो है हज़रत सल्लम की बायोग्राफी आपने याद करनी है, तमाम हिजरी की अमन जो है आपने याद करने हैं, नेम ऑफ इस्लामिक मन जो है आपने याद करने हैं, अदीत राइट वगैरह और बुक्स वगैरह आपने याद करने हैं। सातवें नंबर पर जो आपका होगा ये FIA एक्ट होगा और ये लास्ट MCQs होंगे इसके। तो फ्रेंड्स इस तरह का इसका ये टेस्ट पैटर्न होगा। अभी हम वापस अपनी PPT की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमने तैयारी करनी है, कहाँ से हमने तैयारी करनी है। तो चलो चलते हैं अपनी PPT की स्क्रीन पर। तो अभी हम बात करेंगे टेस्ट प्रिपरेशन की। टेस्ट प्रिपरेशन जो हमने करनी है फ्रेंड, तो हमने इस चैनल पर एक सीरीज जो है शुरू हो रहा है और ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके लिए ज़रिए आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इसमें पास्ट पेपर जो हुए हैं इन सब की जो है MCQs हैं, और इसके अलावा हार्ड और सॉफ्ट कापी दोनों के नोट्स आपको मुहैया की जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी मर्जी होगी तो हार्ड नोट्स के लिए सॉफ्ट नोट्स, और इनके अलावा नोट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आपको ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड तो इसका जो सीरीज़ का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हम अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।